इनके लब रंगी की मिठाबल थी के जिसने। अच्छा फरहान भाई, इन्होंने पूछा है कि ऑफिस वगैरह में ऐसा होता है कभी कभी के रमज़ान के अंदर बाजमात नमाज होती है, तो किसी भी एक शख्स को नमाज में इमाम बना देते हैं, फिर उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तो असल में इमाम की क्या शर्तें होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखें, किसी को भी इमाम बनाने से पहले उनके अंदर जो शरायत होनी चाहिए वो बेसिक शरायत तो यही है कि बंदा सही अकीदा सुन्नी मुसलमान होना चाहिए। दूसरा ये कि वो अकील भी होना चाहिए और बालिग भी होना चाहिए, यानी नाबालिग इमाम नहीं बन सकता, ख़ास तौर से बालिगों की इमामत वो नहीं कर सकता। सही अकीदा मुसलमान भी हो, अकील हो, बालिग हो, और फिर ये कि माजूर ना हो, यानी किसी किस्म का उसके अंदर शरीयत एतबार से उज्र ना पाया जाता हो, माजूर ना हो कि जैसे बैठने या रुकू करने में परेशानी हो, टांग वगैरह ख़राब हो, तो इस तरीके से वो ना ज़ाहरी तौर से तंदुरुस्त या फिट होना चाहिए। एक ये भी उसके अंदर शर्त हो, और दूसरा ये कि किरात बंदा इतनी जानता हो, कुरान पाक को इतना सही पढ़ सकता हो कि जिससे नमाज जो है वो फासिद ना हो, नमाज ख़राब होने का अंदेशा ना हो, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके कुरान को जो भी वो सूरत उसमें पढ़ेगा वो सही पढ़े। और इसके सिवा ये कि शरई एतबार से नमाज के इतना इल्म रखता हो, यानी शरीयत के इतने मसलों का, खुसूसन तहारत के और नमाज के, इन दो मामलों का इमामत बनने के लिए इतने मसाइल का वो आगाह होगा, जिससे उसको इतना इल्म होना चाहिए कि नमाज कब टूटती है, कब नहीं टूटती, कब नमाज मकरूह तहरीमी होगी, कब नहीं होगी। तो इतनी बातों का अगर उसके अंदर किसी शख्स में सलाहियत है तो वो इमाम जो है वो बन सकता है, यानी बाशराब जिसको कह लेंगे वो बाशराब भी होना चाहिए। तो बाशरा से मुराद ये है कि दाढ़ी वगैरह उसकी होनी चाहिए। तो ये कि अकिल मुसलमान हो, बालिग भी होना चाहिए और उसके अकीदे दुरुस्त होने चाहिए, कोई बदअकीदा या कोई अकीदे में जिसकी ख़राबी हो ऐसा कोई इमाम ना बनाया जाए या ना ऐसों के पीछे नमाज़ पढ़ी जाए। मिसाल के तौर पे कोई बंदा ऐसा है कि सारे मामला तो उसके बिल्कुल दुरुस्त हैं, कुरान भी सही पढ़ता है और बाशरा भी है और जो है वो मसाइल से भी आगा है, इस्लामिक फील्ड में रहता है, लेकिन ये कि उसके अकीदे दुरुस्त नहीं है, कोई बातिल फिरके के अकीदे वो दिल में रखे हुए, तो ऐसे में भी उसकी जो है वो नमाज उसके इमामत में नमाज ना पढ़ी जाए। तो शरीयत के इल्म से मुराद वो है कि तहारत में जो सबसे ज़्यादा जानने वाला हो इमाम बनने का हकदार, उस यानी हकदार वो ज़्यादा है, तहारत के मसाइल ज़्यादा जानता हो, नमाज के मसाइल ज़्यादा जानता हो, तो इसलिए उनको इमाम बना जाए। इसके मुकाबले में अगर कोई दूसरा शख्स है कि वो दूसरे मामलों के मसाइल ज़्यादा जानता है, तो भी उससे बेहतर यही रहेगा कि जो तहारत और नमाज के मसाइल से ज़्यादा आगाह हो, ख़ास तौर से नमाज के टूटने, फासिद होने वगैरह के मामलात से आगाही उसको होनी चाहिए। तो ऐसे शख्स को फिर इमाम बनाया जा सकता है, इसके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है। ऑफिसेस के अंदर अगर मामला है तो जुम्मे के सिवा तमाम नमाजें इसके पीछे जो है वो बाजमात पढ़ सकते हैं। पत्थर